हाय एवरीवन, जब भी हम इमिग्रेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका किसी और कंट्री में जाके रहने का, काम करने का या ट्रैवल करने का सपना पूरा होने वाला है। पर प्लीज़ माइंड, ये सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स बीच में लगते हैं, क्योंकि उसमें एक भी स्टेप अगर गलत हुआ तो आपका मनी, टाइम और ड्रीम्स तीनों वेस्ट हो सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट फाइल्ड एट द सिटी क्राइम ब्रांच अहमदाबाद में, 2 VFS एम्प्लॉयज फ्रॉस्ट 28 अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर कैनेडा। 3 एम्प्लॉयज ऑफ द बिगेस्ट वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने फ्रॉडेंटली 28 कैंडिडेट्स का फ्रॉड बायोमेट्रिक, जो कैनेडा जाना चाहते थे, अप्लाई किया। उसी कंपनी के डिप्टी मैनेजर ने VFS के साथ मिलकर सिटी क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट फाइल की है। तो कैनेडियन हाई कमीशन ने VFS ग्लोबल को मेल सेंड किया है कि इन 28 कैंडिडेट्स का, जिनका VFS ग्लोबल में बायोमेट्रिक इनरोल है, इनकी एप्लीकेशन को IRCC ने सेंशन ही नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अगर कोई पर्सन कैनेडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो फर्स्ट वो IRCC वेबसाइट पे लॉग इन करता है एंड देन उनका जो बायोमेट्रिक कलेक्शन है वो VFS ग्लोबल में कंडक्ट होता है। ये डिटेल्स VFS वेबसाइट्स पे अपलोड होती है, देन कैंडिडेट उनको डाउनलोड करके IRCC को सेंड करता है एंड लेटर ऑन IRCC उनका अपॉइंटमेंट लेटर सेंशन करती है। सो अकॉर्डिंग टू FIR, इन एम्प्लॉयज़ ने कुछ ट्रैवल एजेंट्स के साथ मिलके ओरिजिनल प्रोसीजर्स को बाईपास किया एंड इन 28 एप्लीकेंट्स को फ्रॉड अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रोवाइड कर दिए। सो VFS ग्लोबल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि कैंडिडेट्स को बचना चाहिए इन सब फ्रॉड से। किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में जितना टाइम लगना है उतना लगेगा, यू हैव टू वेट, बैकलॉग से ना डरें, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस प्रोसेस विल फास्टन अप, बिकॉज टू कंट्रीज एक साथ मिलकर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को हैंडल करती है एंड एस वी केयर फॉर योर टाइम, फॉर योर मनी एंड फॉर योर सक्सेस। सो वील ट्राई टू ब्रिंग एज मच एज गुड information we can bring you to be safe and be updated. Thank you.